एक और है वो लड़की जिसकी रूह अभी भी इसी कश्मकश से जूझ रही होगी कि आखिर कब उसके साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले हैवानों को सजा मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे पीड़ित ही गुनहगार बनते जा रहे हैं। दरअसल सरकार के मुताबिक हाथरस में गुड़िया को इंसाफ दिलाने की आड़ में बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है। जी हाँ, कुछ लोगों ने हैशटैग जस्टिस फॉर हाथरस की मुहिम के नाम पर एक वेबसाइट बनाई जिसका मकसद सिर्फ एक था, प्रदेश में जातीय दंगा कराकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को बदनाम करना। दरअसल यूपी में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही एक वेबसाइट बनाई गई, जस्टिस फॉर हाथरस। इस नाम से तैयार हुई वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया। इस वेबसाइट में मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ रहे हैं। इस वेबसाइट का खुलासा होते ही सीएम योगी ने तत्काल प्रभाव से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा वे जातीय दंगा फैलाना चाहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इस वेबसाइट के जरिए प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वेबसाइट को बैन करते हुए बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक वेबसाइट इतनी जल्दी दंगे फसाद को सबब बन सकती है। खैर, पुलिस अपनी जांच में जुटी है और बहुत जल्द इस वेबसाइट को बनाने वाले भी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।